वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से 4 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद वापस लौट आए हैं। ट्रंप ने वापस आने के बाद कहा है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने अस्पताल से आने के बाद एक वीडियो भी जारी किया, लेकिन वहीं अब सवाल उठने लगा कि अब आगे क्या, राष्ट्रपति चुनाव पर इसकी किस तरह असर पड़ेगा और संक्रमण के कारण डोनाल्ड ट्रंप किन चुनावी सभाओं में शामिल नहीं हो पाएंगे। अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव अब सिर्फ कुछ ही हफ्ते दूर है और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कोरोना से बीमार होना अहम मुद्दा बन गया है। ऐसे में ये सवाल खड़े हो गए हैं कि आगे क्या होने वाला है, राष्ट्रपति चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा, संक्रमण के कारण डोनाल्ड ट्रंप किन चुनावी सभाओं में शामिल हो पाएंगे। वहीं अब ट्रंप अस्पताल से वापस व्हाइट हाउस पहुंचे, लेकिन अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ट्रंप कोरोना में निगेटिव आए हैं। इस वजह से ट्रंप को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। शनिवार को ट्रंप के डॉक्टरों ने बयान जारी करके कहा कि ट्रंप से अन्य लोगों को वायरस फैलने का खतरा नहीं है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि ट्रंप नेगेटिव पाए गए हैं। दूसरी ओर ट्रंप ने ये भी ऐलान किया कि वो अब कोरोना की दवाई नहीं ले रहे हैं, लेकिन इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप की सामने आई तस्वीरों में दिखाई देता है कि ट्रंप के हाथ में एक नया बैंडेज लगा हुआ है। इससे समझा जा रहा है कि उन्हें अब भी दवाई दी जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार जहां पर बैंडेज लगा है आमतौर पर आईवी फ्लूड देने के लिए उस हिस्से का इस्तेमाल होता है। अपवाद के तौर पर ही वहां से जांच के लिए ब्लड सैंपल भी लिए जाते हैं। ट्रंप के कोरोना से बीमार होने के ठीक बाद भी एक्सपर्ट ने कई सवाल उठाए थे, क्योंकि राष्ट्रपति की ओर से पूरी जानकारी नहीं दी गई। अमेरिकी मीडिया और एक्सपर्ट सवाल पूछ रहे हैं कि पहली बार ट्रंप कब पॉजिटिव पाए गए और ये भी कि ट्रंप कोरोना से कितने अधिक बीमार हुए। असल में अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने बयान दिया था कि ट्रंप के महत्वपूर्ण अंगों की हालत चिंताजनक है। हालांकि बाद में इस बयान को खारिज किया गया। सोमवार को ट्रंप एक चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। इसकी वजह से ये डर बना हुआ है कि कहीं ट्रंप से अन्य लोग कोरोना संक्रमित न हो जाएं। वहीं ट्रंप के डॉक्टरों के बयान का ये मतलब निकाला जा रहा है कि उनके शरीर में वायरस की मात्रा घट रही है, लेकिन वो पूरी तरह से निगेटिव नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बिडेन के बीच राष्ट्रपति पद के चुनाव से पूर्व होने वाली दूसरी बहस आधिकारिक रूप से रद्द हो गई है। ट्रंप द्वारा डिजिटल माध्यम से वर्चुअल बहस से इनकार करने के बाद प्रेसिडेंशियल डिबेट से जुड़े आयोग ने इसे रद्द करने का फैसला किया। आयोग ने कहा कि अब 15 अक्टूबर को होने वाली बहस नहीं होगी। स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज़।